नमस्कार दोस्तों, रचना की रसोई से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ, ये आपको अदरक दिख रहा है बढ़िया सा एकदम फ्रेश अदरक आज मैं लेके आई हूँ। ये इसे मैं बना रही हूँ स्वीट पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये अदरक अभी इस सीजन में अच्छा आता है विंटर में थोड़ा, तो इससे हम स्वीट पाउडर घर पे एकदम आसानी से बना सकते हैं, जो कि हमें हर चीज में काम आता है। और बाजार से हम लाते हैं तो वो काफी महंगा भी पड़ता है, और इस तरीके से आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये मैंने करीब 1 किलो के करीब अदरक लिया है, इसे इस तरीके से पूरा आप छील लीजिए। मतलब उसको पहले मैंने अच्छे से इसे धो लिया है, उसके बाद इसका जो ऊपर का छिलका है वो अच्छे से पूरा निकाल दीजिए। और छिलका निकालने के बाद आप चाहे तो इसे इसके पीसेस भी कर सकते हैं बारीक बारीक, या फिर मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। ये मैंने लिया है ग्रेट करने के लिए, इस तरीके से आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और ग्रेट करने के बाद इसे धूप में सुखाना है 4 से 5 दिन तक। और ग्रेट किया हुआ जल्दी सूख जाएगा, और पीसेस करेंगे तो उसमें थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा। और आगे की प्रोसेस फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा अदरक अच्छे से साफ कर लिया है, पूरे उसके छिलके निकाल दिए, और अब मैं ग्रेटर में इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके जैसे मैंने पहले बताया था बारीक बारीक पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्रेट करना आसान लग रहा है इसलिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पूरा ग्रेट कर लिया है अदरक को, अब मैं इसे सुखा रही हूँ। इसे सुखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है आप देख रहे हैं, और इसके नीचे मैंने ये न्यूज़पेपर डाला है, जिससे इसका जो भी पानी, अदरक का जो भी पानी निकलेगा वो आराम से पेपर सोख लेगा। आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती तो इस तरीके से आप इसे घर में भी सुखा सकते हैं। बस ऐसे आप इसे पूरे को फैला दीजिए, और इसे अच्छा 3 से 4 दिन तक आप इसे अच्छे से सूखने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, पूरा ये हमारा अदरक अब अच्छे से पूरा सूख चुका है। इसे करीबन मैंने 2 से 3 दिन अच्छे से धूप में सुखाया था, और अब आप ये देख रहे हैं एकदम ये सूख चुका है। अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, और अब आप देख रही हैं, अब इसे किसी भी फिल्टर से, छलनी से आप इस तरीके से इसे छान लीजिए। ये देखिए एकदम बारीक और एकदम महीन सूट पाउडर बोलते हैं दोस्तों इसे, जो कि मार्केट में काफी महंगा मिलता है, और ये हमने घर पे बनाया है, और एकदम थोड़ी सी मेहनत से ये घर पे इतने अच्छे से तैयार हो गया, और एकदम शुद्ध भी, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, सिंपल सा जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। बस इसमें थोड़ा सा 3 से 4 दिन लगेंगे अदरक को सूखने में, लेकिन उसके बाद आपका ये एकदम बढ़िया पाउडर सा ये तैयार हो जाएगा, जो सूट पाउडर के नाम से मार्केट में मिलता है। दोस्तों इसे आप सभी सीजन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ड्राई हो चुका है। आप इसे चाय में या मसाले में, सभी चीज में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तैयार है ये हमारा ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे सूट पाउडर भी कहा जाता है, और एकदम आसानी से बन गया। और ये मैंने करीबन 1 किलो अदरक के उससे बनाया था, मैं बाजार से 1 किलो अदरक लाई थी और उसे ग्रेट करके मैंने सुखाया था। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 300 ग्राम के करीब पूरा बन चुका है। तो दोस्तों एकदम आसान रेसिपी है, और ये सभी में काम आता है अदरक, और पूरे साल के लिए आप इसे इस तरह से एयरटाइट किसी भी जार में भर के रख दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये। आप चाय में, मसाले में, सभी में इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।